जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक और वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम एक सेकंड ईयर बायोलॉजी के 19वें चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से एक आसान सा और अहम सा टॉपिक जो है लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज के लेक्चर में हम फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे, मतलब प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको चार फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो फेजेस जो है, हर एक फेज शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछा जा सकता है और सारे मजबूती तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो है ये भी पेपर में आते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं फेजेस के नाम की। पहला फेज है फेज ऑफ सेल डिवीजन, और उसके बाद दूसरा फेज है फेज ऑफ सेल इलॉन्गेशन, उसके बाद है फेज ऑफ मैचुरेशन, और लास्ट में है फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ओके, सबसे पहले बात करते हैं फेज ऑफ सेल डिवीजन की। अब फेज ऑफ सेल डिवीजन में जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर ग्रोथ हो रही है, तो उनके सेल जो है माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस जब करते हैं तो सेल्स की तादाद बढ़ती चली जाती है। जब सेल्स की तादाद बढ़ती चली जाती है तो प्लांट की लंबाई में इजाफा होता है, और प्लांट की जब लंबाई में इजाफा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो पहला फेज है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो पॉइंट जहां पे मिसाल के तौर पर एक पौधा है, यहां पे वो पॉइंट जिसके ऊपर सेल डिवाइड कर रहे हैं, ये पॉइंट कहलाता है परप्यूटल ग्रोथ जोन। परप्यूटल ग्रोथ जोन, और यहां पे जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं वो सेल्स क्या कहलाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब सबसे पहले देखिए फेज ऑफ सेल डिवीजन में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं माइटोसिस की मदद से। इसके अलावा प्लांट्स जो है, प्लांट उनकी लंबाई में इजाफा होता है। इसके साथ साथ वो पॉइंट जहां पे सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं उस पॉइंट को आप नाम देते हो परप्यूटल ग्रोथ जोन का, और परप्यूटल ग्रोथ जोन पर या इस पॉइंट पर जो सेल्स डिवाइड होते चले जाते हैं उन सेल्स को हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की अगर बात की जाए, ये ऐसे सेल्स हैं जिनके पास डिवाइड होने की बड़ी सलाहियत होती है। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो काफी डेंस होता है, वाज़े न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इस इनके साथ साथ इस मेरिस्टेमेटिक या इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते, इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स कहलाते हैं। और इन तमाम प्रोसेस के अलावा फेज ऑफ सेल डिवीजन के अंदर एक और काम भी होता है, और वो ये है कि साइटोप्लाज्म और सेल वॉल का जो मटेरियल है उसको सिंथेसाइज किया जाता है फेज ऑफ सेल डिवीजन में। अब जब ये काम मुकम्मल हो जाता है तो नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट फेज का नाम है फेज ऑफ सेल इलॉन्गेशन। सेल इलॉन्गेशन में क्या होगा कि जो सेल है प्लांट का वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। पानी को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो सेल का वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, 150 फोल्ड, 150 गुना बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसके अलावा क्या की जाती है कि इंक्रीज द इलास्टिसिटी इन द सेल वॉल। सेल वॉल की जो इलास्टिसिटी है उसको बढ़ाया जाता है ताकि दीवारों के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम किया जाए। मतलब दीवारों पर प्रेशर को कम करने से जो सेल हैं उनकी जो सेल वॉल है उसकी इलास्टिसिटी में क्या किया जाता है, इजाफा किया जाता है। अब इन प्रोसेसेस के अलावा सेल ऑफ सॉरी फेज ऑफ सेल इलॉन्गेशन के अंदर ये काम जो पहले हो रहा था, मतलब साइटोप्लाज्म और सेल वॉल मटेरियल की तैयारी की जा रही थी, वो इस फेज के अंदर भी प्रोसीड ऑन का मतलब है जारी रहती है। इस प्रोसेस में भी जो साइटोप्लाज्म है और सेल वॉल है उसकी जो सिंथेसिस है, तैयारी है, वो इसमें भी होती रहती है। और इस प्रोसेस में भी या इस फेज के अंदर भी सेल के साइटोप्लाज्म और सेल वॉल की जो मटेरियल है उसकी तैयारी कंटिन्यू रहती है। इसके बाद जब ये काम भी मुकम्मल हो जाता है तो इस फेज के बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं फेज ऑफ मैचुरेशन। अब फेज ऑफ मैचुरेशन के अंदर जो सेल है वो अपने मुकम्मल साइज तक पहुंच जाता है।
मतलब सेल अपने मुकम्मल साइज तक किस फेज में पहुंचता है, फेज ऑफ मैचुरेशन में। और इसके अलावा जो इलॉन्गेशन हो रही थी, कुछ सेल्स ऐसे हैं मतलब प्लांट्स में जो क्या करते हैं इलॉन्गेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। पीछे यहाँ पे भी तो सेल की इलॉन्गेशन हो रही थी, लेकिन इस फेज में, फेज ऑफ मैचुरेशन में, कुछ सेल्स अपने इलॉन्गेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स के सेल्स। मतलब कॉर्टेक्स के सेल्स मजीद इलॉन्गेट नहीं होते। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो मैचुरेशन के फेज में भी मजीद इलॉन्गेशन का प्रोसेस करते चले जाते हैं और इलॉन्गेट होते चले जाते हैं, और वो सेल्स हैं ट्रैकीड्स और फाइबर्स के सेल्स। और फेज ऑफ मैचुरेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लांट्स के अंदर नर्व्स लकड़ी पाई जाती है, जिसको हम पिथ कहते हैं। अब फेज ऑफ मैचुरेशन के अंदर पिथ भी बन जाती है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन था, फेज ऑफ सेल डिवीजन, फेज ऑफ सेल इलॉन्गेशन, उसके बाद फेज ऑफ मैचुरेशन। ये तीन फेजेस जब हो जाते हैं मुकम्मल, उसके बाद एक फेज आता है जिसको हम नाम देते हैं फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब फेज ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर ड्यूरिंग दिस फेज स्टॉप द फर्दर इलॉन्गेशन, यहां तक इलॉन्गेशन होती है, लेकिन जब ये प्रोसेस आता है तो इलॉन्गेशन खत्म हो जाती है, इलॉन्गेशन को स्टॉप कर दिया जाता है, और जो प्लांट की दीवारें हैं, प्लांट के सेल वॉल है, उसकी थिकनेस में इजाफा हो जाता है और पिथ को भी बनाया जाता है। पिथ यहां पर भी थी, वहां पर भी बन जाती है, और लास्ट में जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर में। कुछ सेल्स जाइलम में चेंज हो जाएंगे, कुछ सेल्स फ्लोएम में चेंज हो जाएंगे, तो कुछ सेल्स जो है एपिडर्मल टिश्यूज में चेंज हो जाएंगे। मतलब इस प्रोसेस के अंदर सेल्स मखसूस शक्ल में चेंज हो जाते हैं और उनका काम भी क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहां तक हम कहते हैं कि सेल मैच्योर हो गया है, सेल डिफरेंशिएट हो गया है। तो यहां तक हमारे पास आसान और सिंपल से फेजेस हैं, चार फेजेस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। कोई अगर इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।